आज पौष शुक्ल पक्ष छठ मंगलवार 16 जनवरी 2024 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। श्री जी की सेवा में आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, अतः आज की प्रस्तुति में सबसे पहले आप श्री के उत्सव की भावना का अवलोकन करते हैं। आप श्री गोवर्धन लाल जी महाराज के पुत्र थे एवं आपका जन्म विक्रम संवत 1953 में आज के दिन नाथद्वारा में ही हुआ था। आप खेलों के शौकीन थे और विशेषकर क्रिकेट में आपकी महारत थी, इसीलिए लालबाग के पीछे आज भी स्टेडियम का नाम श्री दामोदर लाल जी महाराज के नाम पर है। प्रभु सुखार्थ कई सेवा परिवर्तनों का श्रेय आपको जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में होने वाले पाछली रात का श्रृंगार, दूज के चंदा का श्रृंगार, उष्णकाल के मोती के जड़ाऊ श्रृंगार प्रभु को धरने आपने ही प्रारंभ किए थे। आपके ही आग्रह पर शीत ऋतु में होने वाली घटाओं को 8 से बढ़ाकर 12 किया गया था। बसंत व डोल के प्रतिनिधि के श्रृंगार भी आपके अनुग्रह पर ही प्रारंभ हुए थे। ठाकुर जी में गणगौर महोत्सव की शुरुआत भी आप ही ने की थी। आप द्वारा नाथद्वारा के विकास में किए गए योगदान की स्मृति के वर्तमान दो सीमा चिन्हों का अवलोकन करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस स्थल को आप भली भांति जानते होंगे। यह दामोदर धाम है, जहां लगभग 132 कमरों में वातानुकूलित ठहरने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह स्थल भी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री के नाम से बनाया गया है, जिसका वैष्णवार्थ सेवार्पण पूज्यपाद तिलकायत गोस्वामी श्री राकेश जी महाराज की आज्ञा से चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा द्वारा 17 जनवरी 2013 को किया गया था। दूसरा सीमा चिन्ह लालबाग के पीछे स्थित श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री स्टेडियम है। इस संकुल में आज अनेक प्रकार की खेल गतिविधियां जारी हैं, जिनमें आउटडोर, इंडोर एवं जिम के साथ अखाड़ा भी कार्यरत है। नगर में होने वाले सभी बड़े आयोजन लगभग यहीं पर होते हैं। आइए श्री दामोदर लाल जी के उत्सव पर श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है, उसके दर्शन कर लेते हैं। नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी का उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। आज सभी समय प्रभु श्री जी की झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दो समय की आरती थाली में की जाती है। गद्दल, रजाई, केसरी अड़तू के आते हैं तथा गेंद, चौगान व दीवला सोने के होते हैं। आज बड़ी नौबत की बधाई बैठती है। श्री जी की भोग सेवा में भी आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मन मनोहर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी और 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अन सखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता एवं सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा,
वह छह भात जिनमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात, बड़ी भात व विशेष रूप से नारंगी भात अरोगाए जाते हैं। आज पान घर की सेवा के तहत विशेष रूप से छह बीड़ा सिकोरी में रखकर प्रभु के सन्मुख पधराए जाते हैं। आज श्री नवनीत प्रिया जी में पलना के मनोरथी स्वयं श्री जी के तिलकायत होते हैं। सामान्य दिनों में श्री नवनीत प्रिया जी को पलना की सामग्री के रूप में बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं, परंतु आज श्री लाड़ेले लाल प्रभु को पलना में तवा पूड़ी अरोगाई जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टिमार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में नित्य लीलास्थ गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री का उत्सव है। अतः प्रभु श्री जी को इस उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। लागत है अति सीत के रे लागत है अति सीत के। सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरण के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की साटन की पिछवाई सजाई गई है, जिसमें सिल्मा सितारों के चित्रांकन में पलने में झूलते श्री गोवर्धन नाथ जी को एक और श्री नंद राय यशोदा जी खिलौनों से खिला रहे हैं एवं दाई ओर श्री गोवर्धन लाल जी महाराज श्री एवं श्री दामोदर लाल जी मोतियों की तोरण से सुसज्जित पलना झूला रहे हैं, ऐसा दृश्यमान है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के दो पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चंपई पीले रंग की साटन से सिद्ध किए हुए वस्त्र
धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ प्रभु को मलमल का किनारी से सुसज्जित पटका धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज पतंगी रंग के धराए गए हैं। प्रभु के श्री चरणों में भी चंपई रंग की साटन के ही मोजा जी धराए गए हैं, जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पेंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज मध्य का अर्थात घुटनों तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को हास, त्रवल एवं एक माला कली की और एक कमल माला धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज हीरा की जड़ाव की टोपी धराई गई है, जिसके ऊपर तीन तुर्री, बावरी और अलख धराई गई है। मध्य में हीरे के जड़ाव की मोरशिखा और दोनों तरफ दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शिशुफूल धराए हैं। इनके साथ हीरा की चोटी जी भी धराई गई हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के मयूराकृति कुंडल अंगीकार करवाए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। पीठिका जी पर स्वर्ण जड़ित हीरा का चोखटा भी धराया है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित हीरा के ही दो वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें पट पीले रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का अवलोकन करवाने के लिए आज लाल मखमल वाली आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मेरे आए भोर प्यारे वाके सब निस, श्रृंगार के समय लड़काई में जीवन की छब, राजभोग के समय देखो अद्भुत अवगत की गति, आरती के समय महर पूत तेरो बरजो न माने, शयन के समय मोहन माखन चोरी और मान के पद में माननी मान और पोढ़वे के पद में सुख सेज पोढ़े कीर्तनों का गायन हो रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है।
जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री प्रभु को अरोगाई जा रही है। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता है तो अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतार ब्रजपति पद पंकज काकी से
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।